हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का सही ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ लव। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं यूज ऑफ लव में कुछ करना बहुत पसंद है। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत पसंद था। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ लव। Use of love. पहचान लीजिए। बहुत वाक्यांश में बहुत पसंद था। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव रूल्स लिखिए। सब्जेक्ट प्लस लव्ड। सब्जेक्ट प्लस लव प्लस अदर। सब्जेक्ट प्लस लव प्लस अदर उसे तुम बहुत पसंद थे। उसे तुम बहुत पसंद थे। वाक्य अंदर क्या आता है? बहुत पसंद भैया, बहुत पसंद थे। उसे तुम बहुत पसंद थे। क्या करेंगे सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? ही। He loved you. He loved you. उसे तुम बहुत पसंद थे। He क्या हो गया? Subject। उसके बाद loved हो गया। उसके बाद other। मुझे आम बहुत पसंद था। मुझे आम बहुत पसंद था। क्या था? बहुत पसंद था। क्या करेंगे सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे आई। आई लव मैंगो। मुझे आम बहुत पसंद था। आई लव मैंगो। निगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस लव।
प्लस अदर वन, सब्जेक्ट प्लस डिप प्लस नॉट प्लस वर्किंग। नॉट का क्या है, नॉट का अलग है, नॉट प्लस लव प्लस अदर। सब्जेक्ट प्लस डिप प्लस नॉट प्लस लव प्लस अदर, उसे तुम बहुत पसंद नहीं थे, उसे तुम बहुत पसंद नहीं थे। क्या जाएगा सब्जेक्ट जाएगा ही, He did not love। यहां पर लव नहीं होगा क्योंकि यहां पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो रहा है। क्या हो जाएगा लव फर्स्ट फॉर्म में, He did not love you, He did not love you, उसे तुम बहुत पसंद नहीं थे। ये हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया डिड, उसके बाद नॉट हो गया, उसके बाद लव हो गया, उसके बाद अदर यू, उन्हें अखबार बहुत पसंद नहीं था। उन्हें अखबार बहुत पसंद नहीं थे, उन्हें अखबार बहुत पसंद नहीं थे। क्या जाएगा दे दे डिड नॉट लव न्यूज़पेपर, They did not love newspaper, उन्हें अखबार बहुत पसंद नहीं थे। क्या हो गया दे क्या हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद डिड हो गया, उसके बाद नॉट हो गया, उसके बाद लव हो गया, उसके बाद अदर वर्ड इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूट्स लिखिए, डीप प्लस सब्जेक्ट प्लस लव प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। डीप प्लस सब्जेक्ट प्लस लव प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हें अमरूद बहुत पसंद थे, क्या
क्या तुम्हें अमरूद बहुत पसंद थे? क्या हो जाएगा? डिड डिड यू लव गुआवा? क्वेश्चन डिड यू लव गुआवा? क्या तुम्हें अमरूद बहुत पसंद थे? डिड हो गया अंतिम बार, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया यू, उसके बाद लव, उसके बाद अदर वर्ड गुआवा, उसके बाद क्वेश्चन बार। क्या उसे चाय बहुत क्या उसे चाय बहुत पसंद थी? क्या उसे चाय बहुत पसंद थी? क्या रहेगा भी Did he love tea? Did he love tea? क्या उसे चाय बहुत पसंद थी? एल्पियर हो गया did, इसके बाद subject, इसके बाद love, इसके बाद other word, इसके बाद question mark। इंट्रोवर्ट प्लस डी प्लस सब्जेक्ट प्लस लव प्लस अदर। प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोवर्ट प्लस डी प्लस सब्जेक्ट प्लस लव प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। उसे उसे फिल्म कैसे बहुत पसंद थी? उसे फिल्म कैसे बहुत पसंद थी? क्या जाएगा हाउ हाउ डिड ही लव मूवी? क्वेश्चन मार्क। हाउ हो गया इंट्रोवर्ट, उसके बाद डिड हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद लव हो गया, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तुम्हें का क्यों बहुत
कार क्यों बहुत पसंद है? तुम्हें कार क्यों बहुत पसंद था? क्या जाएगा भाई? Why did you love car? Why क्या हो गया? Introvert. इसके बाद helper हो गया lead. इसके बाद you हो गया subject. इसके बाद love. इसके बाद other word. इसके बाद question mark. Interrogative negative sentence. Rules likhiye. Did plus subject. सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस लव प्लस अदर वर्ड. प्लस क्वेश्चन मार्क. डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस लव प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क. क्या उसे तुम बहुत पसंद नहीं थे? क्या उसे तुम बहुत पसंद नहीं थे? क्या हो जाएगा? डिड. डिड यू not love? Did you not love you? Did you not love you? क्या उसे तुम बहुत पसंद नहीं थे? Help me और हो गया did. उसके बाद subject हो गया you. उसके बाद not हो गया. उसके बाद love. उसके बाद other word you. उसके बाद question mark. क्या सोहन को मछली बहुत पसंद नहीं था? क्या सोहन को मछली बहुत पसंद नहीं था? क्या जाएगा? Did Sohan not love fish? Did Sohan not love fish? क्या सोहन को मछली बहुत पसंद नहीं था? हेल्पर हो गया डिड. उसके बाद सब्जेक्ट हो गया सोहन. उसके बाद नॉट हो गया. उसके बाद लव. उसके बाद अदर वर्ड. उसके बाद क्वेश्चन मार्क. Introvert
प्लस हेल्पिंग वर्क इंट्रोवर्ट प्लस डीप प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस लव प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोवर्ट प्लस डी प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस लव प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तुम्हें तुम्हें कुर्सी क्यों बहुत पसंद नहीं? मैं कुर्सी क्यों बहुत पसंद नहीं था यार भाई? मैं कुर्सी क्यों बहुत पसंद नहीं थी? क्या करेंगे? इंट्रो लगाएंगे भाई। Why did you not? Why did you not love chair? Question. Why did you not love chair? तुम्हें कुर्सी क्यों बहुत पसंद नहीं थी? इंट्रोवर्ट हो गया why, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया did, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया you, उसके बाद नॉट हो गया, उसके बाद लव, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। उसे उसे मेज क्यों बहुत पसंद नहीं था? उसे मेज क्यों बहुत पसंद नहीं था? क्या करेंगे? इंट्रोवर्ट लगाएंगे वाई, why did he not love table? Question mark. Why did he not love table? उसे मेज क्यों बहुत पसंद नहीं था? इंट्रोवर्ट हो गया why, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया डिड, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया ही, उसके बाद नॉट हो गया, उसके बाद लव, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क।